नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं उस चैनल का हूँ अनोन पाड़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप एक ब्लूटूथ हेडफोन और एक वायर हेडफोन को कनेक्ट कर पाएंगे एक ही लैपटॉप पर। इसके लिए हमें अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी हम स्टेप परफॉर्म करेंगे अपने विंडोज़ के साउंड सेटिंग्स में करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो इस ट्रिक को आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप दो हेडफोन यूज़ कर रहे हैं वायर्ड हेडफोन, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से आप दो वायर हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूटूथ हेडफोन के लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए हमें अपने सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, तो चलिए आइए चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें अपना ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले ब्लूटूथ की सेटिंग्स ओपन करूंगा। ब्लूटूथ की सेटिंग्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन करूंगा। ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद मेरा जो भी ब्लूटूथ का ऑडियो डिवाइस जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। मेरा ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे साउंड आइकन शो होगा, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और साउंड टैब में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको प्लेबैक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। जब आप प्लेबैक डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीकर को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। स्पीकर को सेट एज डिफ़ॉल्ट करने के बाद हमें रिकॉर्डिंग टैब में जाना है। रिकॉर्डिंग टैब पर यहाँ पे आपको स्टीरियो मिक्स का ऑप्शन शो होगा। अगर आपको यहाँ ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप कहीं पे भी राइट क्लिक करके शो डिसेबल डिवाइस में क्लिक करेंगे तो आपको स्टीरियो मिक्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको अनेबल करना है और इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस पर राइट क्लिक करना है हमें और हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लिसन टैब में यहाँ पे लिसन टू दिस डिवाइस का ऑप्शन आप शो हो रहा है आपको, यहाँ पे इसको हमें टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस आपने कनेक्ट करा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे। अब हमारा एक ब्लूटूथ हेडफोन और एक 3.5 mm का जैक वाला ऑडियो डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। गाइस, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि हर एक का जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।